नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन नारा। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, ज्ञान व्यापी मस्जिद में चल रही है जुमे की नमाज और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कल यहां पर होना है सर्वे, होनी है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि थोड़ी ही देर में जुमे की नमाज खत्म होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चूंकि काशी आ रहे हैं तो वो भी काशी विश्वनाथ आएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर की अगुवाई में होने वाले सर्वे से ठीक एक दिन पहले आज यहां वाराणसी पहुंच रहे हैं जहां वो 7:20 पर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग या कहें कि नमाजी पहुंच रहे हैं। इसी गेट नंबर 4 से उनकी एंट्री होती है और ज्ञानवापी मस्जिद में आज ये जुमे की नमाज हो रही है जो जुमे के दिन और सिर्फ ईद के दिन ही यहाँ अनुमति है। और फिलहाल सभी की चेकिंग करके अंदर जा रहे हैं। नमाज का वक्त तय होता है, आज नमाज का वक्त क्या है सर? जो हमेशा होती है 1:40 पर नमाज होगी। 1:40 पर नमाज का वक्त है। इसके लिए 1 से पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया है। लगभग आधा घंटा हो गया जब से लोग आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको बहुत से लोग यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इसी मंदिर परिसर के आसपास टिकी हुई है क्योंकि यहाँ तारीख तय हो गई है, 14 शनिवार का दिन। वक्त सुबह 8 कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर की मौजूदगी में यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए वो दिन अब नजदीक है, यानी कल ही सर्वे होना है। सर्वे को लेकर संशय बरकरार था, कोर्ट में गया था मुस्लिम पक्ष लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिल पाई और कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सर्वे तो होकर ही रहेगा। तय कर दिया है समय 8 सुबह ये सर्वे शुरू होगा कोर्ट कमीशन की देखरेख में और दोपहर 12 तक ये सर्वे चलेगा। लेकिन काशी की हलचल आप लगातार देख रहे हैं और इसीलिए इंडिया टीवी काशी में मौजूद होकर हमारी पूरी टीम एक एक तस्वीर आप तक खाने की कोशिश कर रही है। देखिए नमाजी जो है वो अभी भी आ रहे हैं क्योंकि 1:40 का वक्त है नमाज अदा करने का, आज जुमे की नमाज है और दूर दूर से नमाजी आ रहे हैं और यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आज यहाँ पर आना है। खास बात यह है कि सर्वे से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और जैसा कि हर बार अपने दौरे में मुख्यमंत्री करते हैं, जब जब काशी आते हैं विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा करते हैं और बाबा धाम में मत्था टेकना नहीं भूलते, यहाँ पर पूजा अर्चना जरूर करते हैं और आज भी वो शाम 7:10 पर बाबा धाम आएंगे और यहाँ पर बाबा के विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ कोर्ट के सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को बुलाकर बैठक की जानी थी लेकिन हिंदू पक्ष की बजाय मुस्लिम पक्ष के साथ लगभग डीएम की 1.5 तक बैठक चली। उस बैठक में मुस्लिम पक्ष को बताया गया कि कोर्ट का आदेश क्या है, उनकी डिटेल्स क्या हैं ताकि जब सर्वे हो तो उस पर कोई आपत्ति ना हो और साथ ही शांति व्यवस्था बरकरार रखने की अपील की गई है। और अब दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है कि वो कोर्ट का आदेश मानेंगे और जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसी के आधार पर सर्वे होने देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।